विगत दिनों कटंगी खुर्द के क्षेत्र में खेतों में बिजली की लंबी तार फैलाकर शिकार करने वाले व्यक्ति की तलाश रही है जो फरार हो गया था। फरार व्यक्ति दीपक दुबे जो खेतों में बिजली व जीआई लोहे की तार बिछाकर जंगली जानवरों का शिकार किया करता रहा। इस बात की जानकारी वन विभाग को लगी, तब मौके पर जाकर देखा तो पेड़ से दूसरे छोर पर पेड़ से बिजली की लगभग 400 मीटर तार व जीआई लोहे वाली तार बंधा हुआ पाया और उसकी तलाश में जुटी रही। जब दीपक दुबे को भनक लगी तो वो अपने क्षेत्र से फरार हो गया था, जो आज वन विभाग को खबर लगी तो उसे धरपकड़ा, जिसे गिरफ्तार कर पुलिस थाने एनकेजे में आगे की कार्यवाही करना बताया गया। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, संवाददाता कटनी। द्वारा कैब फॉरेस्ट एरिया से लगा हुआ आरएफ पे 105 से लगा हुआ, उन्हें क्या है शिकार पकड़ने के लिए क्या है अपना जाली लगाया था, बारबेट वायर और प्लस क्या है केबल वायर लगा के करंट से क्या है जानवर मारने की दुकान में था। उत्ते में गश्ती, हमारे स्टाफ ने गश्ती करते करते बस उनको क्या है ये मौका देखा, यदि ये नहीं पहुंचते बहुत बड़े हादसा हो सकती थी, कोई आदमी अगर उलझता वो मर जाता, अपने जंगली जानवर वो भी निपट जाते, मौके पर उसको बचा लिया, लेकिन उसको आरोपी बना दिए हैं। उसके बाद हमने कार्रवाई विधिवत कार्रवाई कर ली। सर कितना सामान जब्त हुआ है जो ये इसके इसमें लगभग वायर आपका केबल वायर 340 मीटर है वो, और आपका क्या है जीआई वायर ये 410 मीटर है। इसके पहले भी कोई अपराध के पंजीकृत हैं? इसके पहले का अपराध अपने पास जानकारी नहीं है, लेकिन क्या है मौके पे ये पकड़ा गया था और स्टाफ के साथ भी इसने झुमा झपटी करी है और उसका विधिवत हमने उसका क्या है थाने में रिपोर्ट एनकेजे थाने में रिपोर्ट करवाई। क्या नाम है सर आपका? लाजरुस लकड़ा, वन परिक्षेत्र अधिकारी कटनी।